इच्छा मई तारा तुमी तुमार कर्म तुमी करो मा लोके बोले करियामी सकली तुमारी इच्छा इच्छा मई तारा हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। और आज हम लोग हैं माइथन में और आज मैं मिलने वाला हूँ अपने नानी से, तो बने रहिए और देखते रहिए इस खूबसूरत व्लॉग को। मैं हूँ अभी डिनोबली स्कूल माइथन के बाहर। मेरा भी स्कूल डिनोबली ही था सिंदरी में, तो माइथन में भी हम लोग शायद आए थे एक बार, कुछ तो फेस्टिवल या कुछ था, तो अच्छा लग रहा है। जहाँ पे जा रहे हैं उनका जो गली है वो बहुत कंफ्यूजिंग है, तो वो भूल गए थे, वापस कॉल करना पड़ा और अभी पता चला। ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक चार्जिंग स्टेशन है और यहाँ पे CISF का बैरक है, उसके बीच में गली है ये वाला, उस गली से अंदर जाना। तो वेट कर रहे हैं, मम्मी लोग को थोड़ा आगे छोड़ दिए थे कि आप लोग यहाँ पर रुको, हम लोग देख के आते हैं। तो अभी देख के अभी लोग आ रहे हैं, तो अभी हम लोग जाते। और फाइनली मेरे मामा हम लोग को लेने आए और हम लोग बैठ के थोड़ी देर बातें बातें किए और फिर जाने का टाइम हो गया। হাওয়ার জলের উপর আছে, ও তো কতদিন থাকবে, ওই 3-4 বছর তো এমনি আছে। এখন और नेक्स्ट टाइम मिलने का वादा करके हम लोग वहां से निकल गए और पहुंच गए दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। तो अभी हम लोग आ गए हैं दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का माइथन डैम और यहाँ पे हम लोग देख रहे बोटिंग का क्या कॉस्ट है, कितना दूर जाता है, ऑल दैट। पर उससे पहले कुछ खाना भी है, देखते हैं क्या है अंदर। 400 रुपया में मैनुअल बोट जो बोटिंग करके लेके जाएगा, एक आइलैंड है यहाँ पे छोटा सा वहाँ तक, और 600 में मोटर बोट जो एक आइलैंड में ले जाएगा थोड़ा दूर में। तो अभी देखते हैं क्या बोलता है। बेसिकली यहाँ पे 3 घाट हैं, हम लोग हैं अभी काली घाट में, ऐसे करके और भी 2 घाट्स हैं। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि ये सबसे अच्छा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ भी होता है। और अभी हम लोग झालमुड़ी बना रहे हैं जैसे कि आप लोगों ने देखा, और झालमुड़ी खाते खाते हम लोग बोट के अंदर जाएंगे। तो हम लोग वो मैनुअल वाला ले रहे हैं जो 400 रुपीज़ है, आधा घंटा घुमाएगा, 10 मिनट एक टापू में जाके छोड़ देगा,
वापस लेके आएगा, which is good enough. बहुत कुछ है यहाँ पे खाने का, बहुत ज़्यादा, देखिए बहुत कुछ है. तो अगर आप लोग बिना कुछ खाए आते हैं तो टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे बहुत कुछ खाने के लिए मिलेगा. चल कुछ खाने के बाद आइसक्रीम का अलग ही मजा. चल কি ভাল লাগছে রে এটা এটা তোমরা বলছিলে করব না, আমরা বলছিলাম করব না, ভয় লাগছে, এত লোক করছে. इस जगह पे हम लोग कितने बार आए ना पिकनिक करने के लिए, लेकिन कभी हम लोग ये नहीं किए थे. बहुत बार आए, बोटिंग नहीं की, लेकिन कभी बोटिंग वा नहीं किया. बोटिंग वा पंद्रह मिनट के बोट राइड के बाद हम लोग ये छोटे से आइलैंड में आ गए, और यहाँ पे आने का मकसद एक ही है, फोटोज लेना. तो देखते हैं कोई अच्छा सा स्पॉट. गोल्डन आवर तो नहीं है, बट काफ़ी अच्छा चेहरे पे सनराइज आ रहा है, तो आई थिंक अच्छे फोटोज आएंगे. बहुत मज़ा आया आज. हम लोग पहले सोच रहे थे कि नहीं करेंगे, लेकिन अगर नहीं करते तो बहुत ख़राब लगता. तो हम लोग का प्लान अच्छा था कि हम लोग कर लिए ये, और अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं तो डेफिनेटली ट्राई करना. काली बोटिंग पॉइंट है ये. तो अगर हम लोग यहाँ पे नहीं आते तो बहुत बड़ा चीज़ मिस होता. इतना खूबसूरत था और इतना पीसफुल था, बहुत मज़ा आया सबके साथ जाने में. और एक चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो लोकल बिजनेस है ना, जैसे बाहर जो बैठे थे, इन लोगों के साथ प्लीज़ ज़्यादा मोल मत कीजिए. जो बोल रहा बिचार लोग को दे दीजिए, बहुत कम इन लोग का बिज़नेस होता है, मुझे भी ऐसा लगा. तो इसलिए मैं कोई भी, मतलब जितना भी बोल रहा हूँ मैं दे रहा हूँ, क्योंकि क्या फ़र्क पड़ता है यार 5-10 रुपया से, है ना. तो जो लोकल वेंडर्स हैं, हाँ, बड़े शॉप पे अगर आप लोग कर सकते तो करें. और देखते रहिए मेरा चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और देखते रहिए शैंक्स ट्रैवल डायरी. थैंक यू सो मच.